फ्रेंड्स, जामा मस्जिद के बाद अब मैं जा रहा हूँ बहादुरगढ़। वहाँ पर लस्सी बड़ी फेमस है उस एरिया की, तो गर्मी भी पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो लस्सी पी के अपने आप को चिल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं बहादुरगढ़। और फ्रेंड, मैं इस टाइम हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि बहादुरगढ़ हरियाणा में लगता है। तो अब बस 5 मिनट में मैं लस्सी वाले की शॉप पे मैं पहुंच गया हूँ अपने फूडी स्पॉट पे। अभी बहादुरगढ़, यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको लस्सी का टेस्ट करवाऊँगा, बहुत अच्छी लस्सी मिलती है। और यहाँ पे बिल्लू के पकौड़े भी हैं, ये भी बड़े फेमस हैं। तो आइए चलते हैं और करते हैं टेस्ट लस्सी को। शॉप के अंदर और आप देख रहे हैं ये लस्सी के कूलर, और मैंने भी एक टोकन खरीदा है, मुझे 50 रुपीज़ का ये टोकन पड़ा है, तो लस्सी मुझे 50 रुपीज़ पड़ेगी। भैया, एक लस्सी दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी लस्सी मेरे पास आने वाली है, ये आ गई मेरी लस्सी। और आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत क्रीमी है, मलाई है, पीने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मिट्टी के कूलर की वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और फ्रेंड्स, ये है फेमस बिल्लू के पकौड़े की दुकान, जहाँ पे आप पनीर के पकौड़े, समोसे, मिर्ची के पकौड़े, पनीर और पालक के पकौड़े सब आप खरीद सकते हैं। ये दुकान 1950 से यहाँ पर है, हमने से खरीदे हैं। और ये आप देख रहे हैं बहुत बहुत फेमस है, यहाँ पे लोग रुकते हैं, खा के जाते हैं, लस्सी पी के जाते हैं, बहुत ही फेमस स्पॉट है 1950 से। मैंने अभी लस्सी ली थी और लस्सी के साथ समोसे लिए थे, तो जो समोसे लिए थे, चलिए उसको चेक करते हैं कि कैसा है। फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ है, कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली फ्राइड है। और देखते हैं, थोड़ा कम क्रिस्पी है, बेसिकली मैदे का है, उसके अंदर आलू स्टफ्ड है, फ्रेंड्स स्पाइस कम है इसमें, और इसमें आलू के साथ मटर भी है, तो जो लोग कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उसको ये पसंद आएगा।